आपका स्वागत है निशा किचन में। और आज हम जा रहे हैं बनाने कच्चे चावल का नाश्ता, और ये काफ़ी टेस्टी लगता है और बरसात के मौसम में इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज हम जो कच्चे चावल का नाश्ता बनाने जा रहे हैं, ये घर के सामानों से बन जाता है और काफ़ी सिंपल तरीके से आज मैं इसे बनाऊँगी। और इसमें बहुत कम सामान पड़ेंगे, जो हम घर में डेली यूज करते हैं उन्हीं सामानों से बनेगा। तो चलते हैं, बनाते हैं कच्चे चावल का नाश्ता। कच्चे चावल का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, चावल को हमने 1 से 1.5 घंटा पहले देखिए भिगो दिया था, और ये देखिए अच्छे से फूल गया है। जब भी कच्चे चावल का नाश्ता बनाए तो चावल को कम से कम 1 से 1.5 या 2 घंटे तक पानी में पहले भिगो दें कि चावल अच्छे से फूल जाए, तभी ये नाश्ता काफ़ी टेस्टी बनेगा और काफ़ी कुरकुरा बनेगा। तो चावल को क्या करेंगे हम, उसको हम पानी में से निकाल लेते हैं। चावल को देखिए हमने धोकर देखिए पानी से छान के निकाल दिया है, और देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखिए, इसको हमें सूखा पीसना है। देखिए सिलबट्टे पे इसको पीसेंगे, उसी बट्टे पे इसको रख देते हैं। आप चाहे तो मिक्सर में पीस दीजिए, लेकिन ज़्यादा गीला नहीं चाहिए, इसको सूखा ही पेस्ट बनाना है पीसकर। तो यहाँ पर देखिए हमने लहसुन अदरक हरी मिर्च लिया, इसको भी साथ में डालेंगे, और इसमें डाल देते हैं जीरा और हींग। तो आधा चम्मच देखिए जीरा लिया, इसको डाल देते हैं, और थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। ये सब डालने से क्या होगा कि नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर चावल जो मैंने रखा है इसको देखिए हम पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें चावल को पीसना है, अगर हल्का सूखा लगे तो उसके लिए पानी का देखिए इस तरीके से हमें खाली छीटा हल्का सा मारते हुए पीसना है, ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है पेस्ट को। तो देखिए इस तरीके से हम पीसते जाएंगे। तो इधर देखिए जो इसमें जीरा हींग और लहसुन अदरक हरी मिर्च डाला है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। इसको देखिए जितना हमने पीस लिया है, देखिए इस तरीके से हमें एकदम सूखा पीसना है। तो देखिए जितना हमने चावल पीस लिया, इसको हम थाली में उठा लेते हैं। और मिक्सी जार में अगर पीसते हुए आपका अगर ये चावल का जो पेस्ट है गीला हो जाए, तो इसमें क्या करना है, चावल और मिला देना है, या तो फिर थोड़ा सा सूजी मिला दीजिए, तो जो कि ज़्यादा गीला नहीं हो पाएगा, अच्छे से सोख लेगा। सूजी डालने से क्या होगा कि ज़्यादा गीला पेस्ट रहता है तो सूजी जो होता है सोखता है और काफ़ी फूलता भी है। कच्चा जो चावल था देखिए हमने पीस लिया है, और यहाँ पे देखिए हमने उबला हुआ आलू पहले से उबाल लिया था, ये ठंडा हो गया। अब इसको देखिए आलू भी डालेंगे, तो आलू क्या करेंगे, पहले हम घिस के इसको डालेंगे। देखिए इस तरीके से घिसने से क्या होगा कि आलू में ढोके नहीं रहेंगे, अगर ढोके रहेंगे तो हमारा जो नाश्ता बनेगा वो फट जाएगा, इसलिए इसको हम घिस के डाल रहे हैं। पीसे हुए चावल के पेस्ट में देखिए हमने आलू भी घिस के डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे देखिए कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च ऐसे हमने चावल पीसते समय डाल रखा था, देखिए अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमने हरी मिर्च और डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए हमने बारीक एकदम कड़ी पत्ता काटा हुआ है, आप चाहे तो धनिया पत्ता या फिर पुदीने का पत्ता भी काट के डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो सूखा लाल मिर्च गदा कूट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि हमने आधा चम्मच इसमें डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। अब हाथों से अच्छे तरीके से देखिए इसको हम मिला लेते हैं। इसको देखिए हमने अच्छे से मिला दिया है, और ये देखिए बारिश होने लगा, और ऐसे मौसम में तो नाश्ता खाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए थाली लेते हैं, और अब इसको हम एक शेप देंगे। सबसे पहले देखिए हाथों में हम तेल लगा लेते हैं, और देखिए चूल्हे में भी हमने ईंधन को जला दिया, बड़ी मुश्किल से हमारा जो कि ईंधन पकड़ा हुआ है। देखिए हाथों में इस तरीके से तेल लगा कर, अब ये देखिए थोड़ा सा हम इसको लेंगे पेस्ट को, और ये देखिए इस तरीके से हम पहले इसको शेप दे देते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरीके से शेप में बना रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उस शेप में आप बना सकते हैं। इसको देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सिलेंडर वाला शेप देके बनाएंगे, तो आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। उसी तरीके से देखिए इसको हम एक शेप देते हुए सभी को इस तरीके से बना लेते हैं। चूल्हे में देखिए ईंधन जल गया, तो उस पर हम चढ़ाएंगे पैन तलने के लिए इस नाश्ते को। पैन देखिए हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल। तेल देखिए हमारा गर्म हो गया है, और एक एक करके देखिए जो हमने बनाया है इसको डालेंगे। इसको डालने के बाद हमें तुरंत नहीं चलाना, थोड़ी देर बाद चलाएंगे, जब एक तरफ से लाल हो जाए तभी चलाएंगे। जितना पैन में आ सकता है उतना देखिए पहले हम डाल दे रहे हैं। इस तरह से देखिए लाल होगा, तो उसको देखिए उलट पुलट लेते हैं। इसको धीमी आंच पर देखिए गोल्डन ब्राउन हम कर लेंगे, कि हमारा जो नाश्ता अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे।
धीमी आंच पर हमने इसको देखिए गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसको देखिए थाली में निकाल लें, देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ये नाश्ता जो है। तो ऐसे देखिए हम और बना लेते हैं, एक बार का हमने तल लिया, एक बार का और तल लेते हैं। इसको देखिए एक बार चला देते हैं और इसको भी देखिए गोल्डन ब्राउन बढ़िया से पका लेंगे लाल करके। इस बार देखिए हमने सारा बना लिया है, तो इसी तरीके से सारा पैन में डाल देते हैं एक एक करके। देखिए चला दे रहे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये तलने के बाद, ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये नाश्ता जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत कुरकुरा बहुत टेस्टी लगता है। उलट पुलट के देखिए इसको भी लाल कर ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी कितना बढ़िया लगता है गोल्डन ब्राउन होता है ये। तो इसको निकाल लेंगे थाली में। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता देखिए बनकर रेडी हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और कच्चे चावल से देखिए नाश्ता बनाइए और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। एक बार आपको हम तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए अंदर तोड़ने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में काफ़ी ये कुरकुरा भी है। और इसको आप देखिए टमाटो सॉस के साथ देखिए इस तरीके से लगा कर खाइए, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। आप चाहे तो फिर दही के साथ खाइए, अपनी मनपसंद चटनी बनाकर खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। कच्चे चावल का देखिए नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और ये काफ़ी जल्दी बन जाता है और कम सामानों से और काफ़ी टेस्टी नाश्ता बनता है। और इस तरीके से नाश्ता बनाकर सबको खिलाइए और खाने में सब बहुत तारीफ़ करते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनता है ये नाश्ता। और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म अपने घर वालों को ये नाश्ता बना खिलाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।